नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7 और मैं हूं आपके साथ हलना खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। इंडोनेशिया में एक्यूट किडनी इंजरी से 133 बच्चों की मौत। अफ्रीकी देश गाम्बिया में कथित तौर पर भारतीय कंपनी के कफ सिरप पीने से 70 बच्चों की मौत के बाद इंडोनेशिया में एक्यूट किडनी इंजरी से 133 बच्चों की मौत ने दुनिया भर में कफ सिरप को शक के दायरे में ला दिया है। इंडोनेशिया की सरकार ने भी इससे पहले कहा था कि कफ सिरप में ऐसे तत्व मिले हैं जो गुर्दों के नुकसान की वजह हो सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव देखा गया। इंडोनेशिया की सरकार ने ऐसे सभी सिरप की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। रुक करते हैं अगली खबर पर। इमरान खान के चुनाव लड़ने पर 5 साल का प्रतिबंध। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इमरान खान ने सत्ता में रहते हुए जो तोहफे लिए थे उसके बारे में अधिकारियों को गुमराह किया। डेंगू के मरीज को प्लाज्मा की जगह चढ़ा दिया मौसमी का जूस। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इन दिनों डेंगू की चपेट में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इलाज को लेकर भी सभी चौकन्ने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आरोप है कि एक निजी अस्पताल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में डेंगू मरीज को प्लाज्मा की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये आरोप मृतक के परिजनों का है। इस मामले में एक वीडियो में भी वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति ब्लड के पैकेट मौसमी के जूस को दिखाकर चिकित्सकीय लापरवाही से मौत का दावा कर रहा है। मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं। केरोसिन डालकर आग लगाने वाली दलित छात्रा ने तोड़ा दम। झारखंड के जमशेदपुर स्थित सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छायानगर में रहने वाली रितु ने पिछले शुक्रवार को खुद पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली थी। बीते 5 दिनों से टाटा मैन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बर्न केयर यूनिट में मौत हो गई। रितु के स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था और उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। हादसों में बरेली मंडल के 2 युवकों की मौत। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में थाना फरीदपुर के गाँव करौंदा के रहने वाले उमेंद्र की बिजली के पोल से छू जाने पर करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बरेली मंडल के ही पीलीभीत जिले में बीती रात पूरनपुर हाईवे पर रामलीला देखने जा रहे युवक को पिकअप ने कुचल दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। जरूरी सूचना या समाचार आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि खबरों और दिलचस्प ग्राउंड रिपोर्टिंग को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या डेली मोशन पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरें और वीडियो देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.indusnews24x7.com पर विजिट करें।